हमारे घर में जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता था, पूरा घर सोगवारी के माहौल में डूब जाता था। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी स्याह लिबास पहना करते थे। हम चार पाइयों को उल्टा कर देते थे, सादा से सादा खाने खाया करते और हमारा वक्त ज़्यादातर अवबका में ही गुजरता रहता। मेरी दादी फौत हो गई तब हमने उनकी मौत पर भी इतना शोक नहीं मनाया था जितना कि मुहर्रमुल हराम के महीने में मनाया जाता था। मेरी दोस्तें अक्सर मुझसे मेरे फिरके के बारे में करीद करीद कर सवाल किया करती थी, मगर उनसे सवालों के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं होता था और सभी मुझे घिनी मिसनी कहते हुए मुझसे दूर हो जाती थी। और फिर जैसे जैसे मेरी क्लासेस बड़ी होती गई, वैसे वैसे मुझे इस बात की बाकायदा समझ आने लगी कि मेरे फिरके के लोगों से बाकायदा नफरत की जाती है। एक बार मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ तो मैं स्याह लिबास उतार कर सादा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जब माँ ने मेरे बाजू पर एक स्याह रंग की पट्टी बांध दी और कहा कि मुहर्रम का महीना सोग की इलामत है, इसलिए इसे लिबास को अपनी मामूल की रूटीन का हिस्सा बनाओ। मुझे अपनी अम्मी पर बेहद गुस्सा आया था। मेरे बाजू पर बंधी हुई स्याह पट्टी साफ नज़र आ रही थी और जितना मैं इस बात से बचने की कोशिश करती थी कि किसी को भी मेरे फिरके के बारे में पता ना चले, उतना ही सबके सामने सब जाहिर होता जाता था। अम्मी ने मुझे अपनी कसम दी थी और कहा था कि ये बेटी मैं हरगिज़ ना उतारूं, और मैंने इनकी कसम को पूरा किया था, मगर स्कूल की लड़कियों ने मिलकर मुझे खुद तंग किया था। एक लड़की मेरे पास आ बैठी और कहने लगी, सच सच बताओ, तुम लोग जो न्याज बांटते हो इसमें थूक मिला कर देते हो ना। इसकी ये बात सुनकर मैं तड़प उठी थी। मैंने कहा कि हम लोग मुसलमान हैं, हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासों के नाम पर न्याज देते हैं, तो हम इसमें थूक मिलाकर क्यों देंगे। तब सब लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। मैं अपने फिरके के लोगों के मुंह से कुरान पाक सुना करती थी। हमारे फिरके में बहुत सारे लोग हाफ़िज़े कुरान थे, मगर उनके बारे में जो हकीकत बयान की जाती थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर देती थी। कुछ लड़कियां मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझसे शामे गरीबा के बारे में सवालों जवाब करने लगती। ऐसा नहीं था कि हर लड़की ही यह सब किया करती थी, मगर कुछ लड़कियां तो बाकायदा मेरे पीछे पड़ी हुई थी जो मुझसे मेरे फिरके के मुतल्लिक करीद करीद कर सवाल किया करती थी, और अगर कभी मैं किसी सवाल का जवाब दे देती तो मेरा मजाक उड़ाया करती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसी अजीब बात हुई कि मैंने उन लड़कियों के साथ लड़ाई कर ली, क्योंकि वो मेरे फिरके को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही थी और इसके मुतल्लिक ऐसी बातें कर रही थी जिनके बारे में हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। उनका कहना था कि शामे गरीबा को तमाम मर्द औरत एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और फिर बत्तियां बुझाकर गुनाह का काम किया जाता है, और जिसमें मर्द के जो भी औरत लगती है वो उसी के साथ गलत करता है, भले ही वो औरत उसकी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, और फिर उस रात के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को जाकिर का नाम दिया जाता है। हमारे फिरके के बारे में एक बात यह भी मशहूर थी कि हम कभी भी हाफिज नहीं बनते, बल्कि हमारे जाकिर ही होते हैं जो हमारे दीन को फैलाने का काम करते हैं। हमारे जाकिर थे, मगर शामे गरीबा वाली बात के बारे में मुझे कुछ इल्म ना था, ना ही मेरी अकल इस बात को तस्लीम करती थी कि हमारे फिरके में इतना गलत किया जाता होगा। मेरे घर वाले नमाज रोज़े की बाकायदगी किया करते थे। मैंने कभी भी अपने बाबा भाइयों को कोई नमाज छोड़ते हुए नहीं देखा था, और हमारे घर की खावातीन का भी यही आलम था। सभी इंतहाई शरीफ पर्देदार थी, उनके कभी भी बाहर के मर्दों के साथ कोई तल्लुकात नहीं रहे थे। वो अपने घर की चार दीवारी तक महदूद थी, जहाँ पर वो इस्लाम के अहकाम को सख्ती से माना करती थी। ऐसे में बाहर के लोगों की बातें मुझे किसी और के बारे में ही महसूस होती थी। अब मैं इस चीज़ को समझने लगी थी, इस पर गौर करने लगी थी, और कहीं ना कहीं मुझे सब लोगों पर गुस्सा भी आ जाता था, और इसी वजह से आज मैं इमाम बारगाह में शामे गरीबा मनाने के लिए आई थी और अपने साथ हैंड फ्री या फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आई थी, जो मैं कानों में लगाकर शामे गरीबा के बारे में मज़ीद कुछ जानने से बच सकती, और मुझे इसी बात का हमेशा अफसोस रहेगा। मैंने वहाँ मौजूद शोर अबका और फैली हुई अफरा तफरी को नज़रअंदाज कर दिया था और इमाम बारगाह से बाहर निकल आई थी, और शायद इसी वजह से मेरे साथ वह सब हुआ था कि उन चार मर्दों
उन्होंने मुझे पकड़ के एक तरफ घसीटना शुरू कर दिया था। और फिर मेरे साथ बचपन से मैंने इमाम बारगाह के अंदर मनाई जाने वाली शमे गरीबा के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, वो सब सच बनकर सामने आया था। और उस वक्त मैं अपनी उजड़ी हुई हालत को देखते हुए फूट फूट कर रो रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे माँ बाप, बहन भाई और दीगर रिश्तेदार जो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, वो सब कहाँ थे? मैं जहाँ पर पड़ी थी वहीं पर मैंने खुद को समेटा और पड़ी रह गई, क्योंकि मुझ में उठकर चलने की हिम्मत भी नहीं थी। घर आकर मेरे दिल को सुकून नहीं मिला था। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे वहाँ से उठा लिया था और उन्हें लगा था कि शायद शमे गरीबा को मैंने पहली बार सुना, इसलिए मेरा ये हाल है। क्योंकि अम्मी इस बात से वाकिफ थी कि मैं कभी भी शमे गरीबा नहीं मनाती थी और ना ही इस बात पर राज़ी होती थी कि मैं वहाँ जाकर शाम में गरीबा मनाऊं, बल्कि मैं हमेशा अम्मी के सामने हैंड फ्री साथ रखा करती थी ताकि वहाँ जाकर लगा सकूं। और अम्मी को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होता था। उन्हें लगता था कि मैं बचने की वजह से ऐसा कर रही हूँ। जैसे जैसे बड़ी होती जाऊंगी सब ठीक हो जाएगा, मैं अपने फिरके के मुतल्लिक जिन गलत फहमियों का शिकार हूं बस अब दूर हो जाएंगी। मगर ऐसा होने की बजाय मुझे मेरे फिरके की असलियत पता चल गई थी, जिसने मुझे तोड़कर रख दिया था। शमे गरीबा के बारे में जो लोग कहते थे वो सब सच था, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ये तमाम तरख्यालात इस बारे में बिल्कुल बदल गए थे। एक महीना गुजरा था कि मेरे साथ हुए इस वाक़े ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे और फिर मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब रहने लगी। मैं बहुत ज़्यादा निढाल होती जा रही थी और जब तक अम्मी को इस बारे में खबर हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अम्मी ने मुझे मार मार कर मेरा हशर बिगाड़ दिया था। मैं जो पहले अपनी ज़ुबान को बंद रखे हुए थे, अम्मी की इस मार पीट पर मैं उनके सामने डट कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि यह सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। मैं हमेशा ही मुहर्रम में मनाए जाने वाले उस सोग और शामे गरीबा से नफरत करती थी, मगर आप लोग ज़बरदस्ती मुझे वहाँ पर लेकर जाते थे और अब आप लोग नतीजा देख लीजिए, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आप तो हमेशा ही शमे गरीबा मना कर बखीर आफियत लूट आती हैं। आपने कभी कोई जाकिर पैदा नहीं किया, लेकिन मुबारक हो आपको कि मैं जाकिर पैदा करने जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी ने चेहरे पर फिर से थप्पड़ दे मारा था और हारे हुए अंदाज में वहीं पर बैठ गई थी। और फिर उन्होंने जो कुछ मुझे बताया था इस पर यकीन करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसके लिए शायद मुझे साल भर इंतज़ार करना था, मगर अब जो मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी इससे निकालने के लिए तदबीर करने लगी। तो मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था, बल्कि सबको कह दिया था कि अगर किसी ने भी मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मगर उन लोगों की बात नहीं मानूँगी। दुनिया को पता चलने देखे उनका असली चेहरा क्या है। मेरे घर वाले मेरी बात पर बहुत परेशान हुए थे, मगर मैं बचपन से बहुत ज़िद्दी थी, अपनी हर बात को पूरा करके दम लेती थी, इसलिए सभी को खामोश रहना पड़ा। और फिर मुझे दूर दराज के इलाके में मेरी पुप्पो के यहाँ भेज दिया गया, जहाँ पर मैंने एक खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था। मगर मैंने उसको देखते ही अपनी नज़रें फेर ली थी, क्योंकि वह बच्चा ना ही तो खुशी की इलामत था और ना ही मेरी जायज़ औलाद था। मैं 19 साल की उम्र में माँ बन चुकी थी, मगर एक नाजायज़ बच्चे की, जिसका बाप कौन था मुझे उसके बारे में भी नहीं खबर थी। कभी कभी मुझे ये सोचकर खौफ आता है कि कहीं मेरे बाप भाइयों में से ही तो कोई इसका वारिस ना हो। हालाँकि अम्मी ने कहा था कि मैं अपने दिल से ये गलत फहमियाँ निकाल दूँ, मगर मुझ पर जो बीत गई थी वो मुझे ये सब सोचने पर बास नहीं रहने देती थी। मेरे बच्चे को मेरी पुप्पो के हाथ छोड़कर मेरे अम्मी अब्बू आए थे और मुझे वापस ले गए थे, मगर इस वाक़े के बाद बहुत ही गुमसुम हो गई थी। मुझे कभी कभार अपने बच्चे की बहुत याद आती थी, जिसे मैं दिल से खरोच कर फेंक देना चाहती थी। अपने घर वालों से भी कोई बात नहीं किया करती थी, क्योंकि मुझे इस सारे वाक़े के जिम्मेदार वही लगते थे। मेरे दिल में हर वक्त एक तूफान उठा रहता और मेरी सेहत थी कि दिन ब दिन गिरती जा रही थी। तकरीबन 3 माह हो चुके थे मैं अपनी पुप्पो के घर से वापस आई थी, मगर ना ही तो मैं अपने बच्चे का नाम लिया था और ना ही किसी से कभी बातचीत करने की कोशिश की थी। मुहर्रम शुरू हुआ तो एक बार फिर से मेरी वहशतों में इजाफा होने लगा।
मुझे लगा साल भर पहले वाली शामे गरीबा फिर से मेरे सर पर आन खड़ी हुई है। मैं वहशियत ज़दा होकर अपने घर से निकल गई। मैंने उस वक्त स्याह चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। मेरा रुख अपनी एक दरीना दोस्त के घर की तरफ था। मैं उनके घर में पहुंची मगर दरवाजे पर दस्तक देते मेरे हाथ रुक गए। उनके घर में जो बातें की जा रही थी उसके बाद मुझे यही लगा था कि मेरी वहाँ कोई जगह नहीं होगी। मैं चुपचाप वहाँ वापस अपने घर लौट आई थी और एक बार फिर से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो लोग कह रहे थे कि हम लोग हमेशा से शिया लोगों को देखते आ रहे हैं, ये लोग थूक न्याज में मिलाकर हम सुन्नियों में बांट देते हैं, ज़्यादा तकबीरों वाली नमाज़ें पढ़ते हैं, इनका कलमा भी इंतहाई लंबा होता है, हम भी मुसलमान हैं तो हमारी नमाजों और अकायद में इस कदर फ़र्क क्यों है, हम लोग तो जिंदा जावेद का मातम नहीं करते हैं बल्कि खुशी से नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लंगर तकसीम करते हैं, मगर शिया लोग तो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा सोग मनाते हैं कि खुदा भी पनाह मांगे। शामे गरीबा को इसी सोग के नाम पर अपनी बहनों बेटियों को ले जाकर उनकी रसवाई का सामान बनते हैं। इनकी हर एक बात सच थी जो मेरे दिल पर नक्श कर गई और मुझे अपने घर वालों से भी शदीद नफरत महसूस होने लगी थी। पहले तो मैं अपने फ़िरके से बदल थी मगर अब मुझे मेरे घर वाले भी अच्छे नहीं लगते थे। एक शाम मैं अपने घर में लेटी हुई थी जब अम्मी ने आकर मुझे जगाया और कहा कि हम लोग सामने गरीबा मनाने जा रहे हैं, उठो तुम भी तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। मैंने बहुत सख्त नज़रों से अम्मी की तरफ देखा था और कहा था कि एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप लोगों के चैन नहीं पड़ा कि एक बार फिर से मुझे लेकर जाना चाहती हैं, अब आप अपना जाकिर पैदा करवाने के लिए किसी और का इंतखाब करें क्योंकि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझ पर बहुत सख्ती की थी और कहा था कि मैं कुछ ही मिनटों में तैयार होकर उनके साथ चलूं और आज अपनी आंखों से देख लूं ये शामे गरीबा में होता क्या है। पहले तो वो मेरा बचपना समझकर नज़रअंदाज करती आई थी मगर अब मुझे शामे गरीबा को मनाना होगा और वही बैठकर सब कुछ देखना होगा। अम्मी के सामने मैं ज़ुबान चला लिया करती थी, गुस्सा भी कर लिया करती थी मगर जब वो फैसला लेती थी तो अटल होता था, मेरी इनके सामने नहीं चलती थी। उस वक्त भी ऐसा हुआ था, मैं शदीद बेबसी के आलम में उठी और स्याह लबास पहनकर लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और जैसे ही हमने इमाम बारगाह के अंदर कदम रखा मेरी सांसें जैसे सीने में ही अटकने लगी। मुझे वो वहशतनाक मंजर एक बार फिर से याद आने लगा जब उन चार मर्दों ने मिलकर मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मुझे याद आया कि मैंने अम्मी लोगों के सामने उस शाम कितना एहतजाज किया था कि मैं शामे गरीबा बनाने के लिए नहीं जाऊंगी, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी थी और मुझे यहाँ पर लाकर ही दम किया था जिसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही थी। अब तक अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल नहीं हो पाई थी, माँ बनने के बावजूद मैं अपने बच्चे को कोसती, हालाँकि मैंने उस बच्चे को वैसे ही तकलीफ़ बर्दाश्त करके जन्म दिया था जैसे कि किसी जायज़ बच्चे को उसकी माँ तकलीफ बर्दाश्त करके जन्म देती है, मगर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस बच्चे का नाम भी लूँगी तो नापाक हो जाऊँगी। मुझे मेरे बच्चे की याद आती थी तो दिल पर जबर कर लिया करती थी मगर इमाम बारगाह में कदम रखते ही जैसे मेरे ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। मैं जो थोड़ा बहुत संभल गई थी एक बार फिर से उसी दुराहे पर आ खड़ी हुई थी। मुझे चारों तरफ वही मंजर दिखाई दे रहा था कि चार लोग मुझे दबोचे हुए हैं और मेरी असबत धरी कर रहे हैं और मैं बेबस सी चीख रही हूँ। मुझ पर हज़यानी कैफियत तारी होने लगी मगर मेरी अम्मी और बहन ने मुझे सख्ती से पकड़ रखा था, उन्होंने मुझे अपने दरमियान में बिठा लिया था। जब एक बार फिर से पूरे कमरे की तमाम बत्तियाँ बंद हो गई और मुझे हर तरफ अपनी इज्जत लूटने का मंजर दिखने लगा मगर फिर सामने ही तेज सी रोशनी जला दी गई जिसे बाद में मदहम कर दिया गया। वहाँ पर एक मौलाना साहिब तशरीफ़ ले आए और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया मेरी आँखों से भी आंसू बहने लगे, मैं बेबसी के आलम में रोने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम में गरीबा की आहो बका में मेरी सिसकियां भी शामिल हो गई।
वो जो कुछ कह रहे थे वो एक एक लफ्ज़ मेरे दिल पर कुंदा हो रहा था। मौलाना साहब ने बोलना शुरू किया, उनका बयान कुछ इस अंदाज से शुरू हुआ था, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हो चुकी है और कुंबा हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लुटा फुटा काफिला खुदा के हजूर सजदा शुक्र अदा कर रहा है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बचे हुए अफराद को जंजीरों में कैद करके कोफे की गलियों में फिराया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म के अज़ा की बेहुरमती की जा रही है, उन्हें बेगोरो कफन छोड़ कर उनके सर मुबारक को यजीद के दरबार में ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। मौलाना साहब रकत अमेज अंदाज में वाकया करबला को बयान कर रहे थे और मेरी आंखें भी नम होती जा रही थी। पूरी रात शहदाए करबला के बारे में बातें की गई थी, उनके गम और अजियत को बयान किया गया था और सुबह जब मैं घर आई तो अपने माँ बाप से बेहद शर्मिंदा थी। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम अकेली बाहर सहन की तरफ निकल गई जहाँ पर किसी ने तुम्हें अकेले देख कर तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया और तुमने लोगों की फैलाई गई बातों को सच समझना शुरू कर दिया, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम ना तो न्याजों में थूक डालकर किसी को तकसीम करते हैं, सबके अपने अपने अकायद हैं, हम किसी के अकायद के बारे में बात नहीं करते। तो ना जाने लोगों को हमसे क्या परखाश है कि हमेशा हमारे अकीदे को गलत बनाकर पेश करते हैं। सबका गम मनाने का अपना अंदाज होता है, अगर हम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम मनाते हैं तो इससे लोगों को ना जाने क्या तकलीफ़ होती है, जबकि अपने अहलो अयाल के मरने पर सब लोग इतने गमज़दा हो जाते हैं कि कई कई दिन घरों को सोग में डाले रखते हैं। क्या इनके नज़दीक गम हुसैन की इतनी भी अहमियत नहीं है कि कुछ लोग दिनों तक अपनी खुशियों को ऐसे पछते डालकर इन दिनों को इमाम हुसैन की याद में गुजार दें। अम्मी की बातें मेरे दिल पर असर कर रही थी और मुझे अपने अकीदे के मुतल्लिक था फैलाई गई तमाम गलत बातें अब गलत ही लग रही थी, क्योंकि मैं शाम गरीबा मनाई थी और मैंने देख लिया था कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी और ना जाने कौन लोग थे जिन्होंने मेरे साथ वो सब कुछ कर दिया था और मैंने उन सब का कसूर भी अपने फिरके के लोगों के सर पर रख दिया, क्योंकि मैं बचपन से ऐसी मनफी बातें सुनकर बड़ी हुई थी और ना जाने कब से मेरा जहन भी ऐसा मनफी